है, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये कहता है कि ये बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, मतलब यच हाइट पे कुछ प्लेटफॉर्म है, वहाँ से एक बॉल गिराऊंगा मैं, ठीक है। चलो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और इस ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड से कुछ यच हाइट पर है, ठीक है, मान लो कुछ हाइट पे, यहाँ से हमने एक बॉल ड्रॉप किया। अब जब बॉल ड्रॉप करें तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, आ गई समझ में, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर एक बॉल मैंने नीचे गिरा दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद 6 सेकेंड बाद हमने दूसरा बॉल गिराया नहीं, थ्रो किया, नीचे फेंक दिया, तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये पहला वाला बॉल यहाँ से गिराया गया तो पहला वाला इधर कहीं आया आ रहा होगा, ठीक है, चलो मान लो फर्स्ट वाला यहाँ कहीं पे, फर्स्ट वाला बॉल यहाँ कहीं आया होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला बॉल यहाँ से चलेगा, दूसरे वाले को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, दूसरे वाले बॉल को यहाँ से थ्रो कर दिया गया, वो दूसरा वाला जो बॉल है वो पहले वाले से मिल जा रहा है, ठीक है, समझना, जो जो येलो वाला है वो दूसरा वाला बॉल है और ये दोनों एच हाइट पे आके मिल गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो मीटिंग का टाइम है वो 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड बाद जो दूसरा वाला बॉल है जो पहला वाला नीचे जा रहा था उससे मिल गया और ये जो फेंका गया है वो फेंका गया विद वेलोसिटी v से थ्रो किया गया, नीचे थ्रो किया गया, समझ रहे ना, दो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक ही में समझा रहा हूँ, नीचे थ्रो कर दिया गया दूसरा वाला, उसकी वेलोसिटी v है, तो 18 सेकेंड बाद जब मिल गया तो हमें v की वैल्यू निकालना है। अब जब ये सोचो, थोड़ा सा रुक के दिमाग लगा के सोचो कि टाइम की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, टाइम की काउंटिंग t इक्वल टू जीरो पहले बॉल से स्टार्ट हुई थी, तो जब पहला बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है भाई, उसको कितना टाइम लगा होगा, 18 सेकेंड लगा होगा, क्यों, क्योंकि जो 18 सेकेंड बाद दूसरा वाला पहले से मिल रहा है, समझ रहे हो, 18 सेकेंड बाद दूसरा वाला बॉल पहले से मिला, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाला बॉल है 6 सेकेंड बाद गिराया गया है तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 सेकेंड लगा होगा और पहले वाले को यहाँ से यहाँ तक आने में 18 सेकेंड लगा होगा। t इक्वल टू जीरो पहले वाले बॉल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो फॉर फर्स्ट बॉल, पहले वाले बॉल के लिए देखो, फर्स्ट बॉल जो है वो t इक्वल टू जीरो पे गिराया गया था, लेकिन जब ये 18 सेकेंड बाद मिल गया तो इसके लिए टाइम ऑफ मीटिंग मिलने का जो टाइम है पहले वाले के लिए t, वो 18 सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से 18 सेकेंड बाद आया होगा तभी तो ये जो हाइट है वो h है, तो पहले वाले के लिए लगा दूँ h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। चलो उसी तरह से दूसरा वाला बॉल है उसके लिए h2 इज इक्वल टू, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया हूँ, vt प्लस हाफ g और टाइम ऑफ मीटिंग 12 का स्क्वायर, दूसरे वाले बॉल के लिए भाई 6 सेकेंड कटा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें भी निकालना है, तो ऑब्वियसली निकाल लेते हैं, h1 बराबर होगा h2 के, क्योंकि जब वो मीटिंग हो रहा है, जो ना मिल रहे हैं, तो वो हाइट कॉमन हो जाएगा, तो हाइट अगर कॉमन हो गया तो इन दोनों को मिला दोगे, इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो दोनों बराबर हो गए और 1/2 जी यहाँ से कॉमन हो गया, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और दैट इज vt के इक्वल हो गया, और वी ठीक है, दूसरे वाले के इसमें भी की वैल्यू कितनी हो गई, 12t, तो ये 1/2 और z की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, और ये 200, 18 का स्क्वायर 324 और माइनस 144 और ये आ जाएगा 12t, ठीक है, तो 12t तो ये आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाइड बाय, इसको माइनस कर दो और 0 और 8 और 180 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज टाइम t, ठीक है, ये टाइम टी हमें वी निकालना था ना, तो ये वी है, तो ये आ जाएगा वी, तो ये जो वी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 6 × 12 6 × 3 = 18 तो और ये 75 वी इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया होगा, ठीक है ना, दूसरे वाले बॉल को नीचे डाउनवर्ड, ठीक है 75 है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ठीक है?